नमस्कार, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। एमएस धोनी के टीम इंडिया के कप्तान बनने के बाद नई नई परंपराएं शुरू हुई। पहले उन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी टीम के खिलाड़ियों को पकड़ा दी, मतलब कि फोटो सेशन में खुद पीछे और टीम आगे। इसके बाद एक परंपरा और है कि उन्होंने टीम में फिटनेस पर खूब जोर दिया, नए नए फिट लड़कों को लेकर आए और पुरानों को थोड़ा सा साइड किया। भारतीय क्रिकेट को बदलने के लिए उन्होंने ये सब किया। धोनी की इन दोनों परंपराओं को वैसे तो विराट ने जिंदा रखा है, लेकिन रोहित शर्मा ने एक नई ही परंपरा की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, ये बताना भी ज़रूरी है कि आखिर वो परंपरा क्या है। 7 नवंबर को खेला गया भारत बांग्लादेश मैच तो आपको बिल्कुल याद होगा। ये मैच रोहित के लिए ऐतिहासिक मैच था। उन्होंने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इतनी बड़ी उपलब्धि पर रोहित का सम्मान भी हुआ। 100वें अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में रोहित को कैप दी गई, लेकिन ना तो कोच शास्त्री आए और ना ही बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़। अब ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कैप देने के लिए कोई भी ऐसा दिग्गज नहीं आया? दरअसल उन्हें यह सम्मान मिला और वो एक ऐसे खिलाड़ी ने दिया जो खुद अपना दूसरा मैच खेल रहा था, और वो भी ऐसा खिलाड़ी अभी जिसकी खुद की जगह टीम में पक्की नहीं है। इस खिलाड़ी का नाम है शिवम दुबे, जिन्होंने गुरुवार को अपना दूसरा ही मैच खेला और रोहित को इतना बड़ा सम्मान दिया। अब ये रोहित के द्वारा शुरू की गई एक परंपरा ही है कि एक नया खिलाड़ी आए और इतने सीनियर या दिग्गज खिलाड़ी को कोई अवार्ड या कैप देकर उसका सम्मान बढ़ाए। रोहित ने पहले तो इस खिलाड़ी को डेब्यू करवाया, इसके बाद दूसरे मैच में ही इस खिलाड़ी ने रोहित का सम्मान करके उन्हें कैप भेंट की। ये टीम इंडिया में एक नई पहल है जिसकी फैंस भी तारीफ कर रहे हैं। खुद रोहित ने ही मैच के बाद एक ट्वीट किया और उसमें इस मौके की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, मैं देश के लिए कुछ कर पाने के लिए मिले इस अवसर के लिए ऋणी हूँ। मैं हमेशा उस पल का आनंद उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। लेकिन इस मैच के बाद सिर्फ टोपी पहनने और पहनाने तक नहीं रही, ये रोहित शर्मा का मैच था। मैच भी इतना खास तो कुछ आतिशबाजी जैसे रिकॉर्ड भी आने लाजमी थे। रोहित ने दूसरे T20 में अपने शानदार खेल से कई रिकॉर्ड्स में खुद को और आगे कर लिया। दूसरे T20 को भारत ने 8 विकेट से जीता। इस मैच में रोहित ने 43 गेंदों में जो 85 रन बनाए उसे शायद ही अब कोई भूल पाए। उन्होंने 6 चौके और 6 धुआंधार छक्के भी लगाए, लेकिन इन छक्कों के साथ रोहित शर्मा ने साल के सबसे ज़्यादा छक्के पूरे कर लिए हैं। छक्कों के मामलों में वो इस साल T20 वनडे टेस्ट कुछ भी मिला लीजिए, सब में सबसे आगे निकल गए हैं। इस साल रोहित ने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 66 छक्के लगा दिए हैं। इस साल ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से उनका ये कहर जारी है। पिछले 3 सालों में उन्होंने धमाकेदार छक्के लगाए हैं। 2018 में 74, 2017 में 65, ऐसे कई छक्के पिछले 3 सालों से फैंस को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब उनसे आगे पिछले 3 सालों में कोई नहीं निकल पाया। छक्कों के अलावा अपनी 85 रन की पारी में रोहित ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने जैसे ही 48 रन बनाया वो T20 में 2500 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि भारतीय कप्तान विराट कोहली उनके आसपास जरूर दिखते हैं, जो कि 2450 रन बना चुके हैं और वो भी जल्दी रोहित के साथ 2500 के क्लब में शामिल हो जाएंगे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हैं, जो कि 2386 रन बना चुके हैं। देखिए, क्रिकेट के ऐसे ही दिलचस्प रिकॉर्ड्स और वाक्य हम आपको लल्लन टॉप पर दिखाते और सुनाते रहेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देखा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। मैं विपिन और कैमरे के पीछे है अमितेश।